राधे राधे भक्त दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपको गौरी गोपाल रसोई, जहाँ पे कि श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हजारों भक्तों को नित्य दिन प्रसाद देते हैं और प्रेम भाव से सब भक्त लोग इतने आते हैं ग्रहण करते हैं। दोस्तों ये जो है ये मेन गेट है, यहाँ पे लाइन लगी हुई है, अभी वो गेट है, मेन गेट है और हम अभी अंदर आ चुके हैं। यहाँ से सब कितनी लंबी लाइन लगी हुई देख ही रहोगे आप। और यहाँ से जो है सभी जो दूर दूर से भक्त आते हैं यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। दोस्तों जब भी आप वृंदावन आओ तो यहाँ पे जरूर आना, गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन मथुरा से ये 12 किलोमीटर दूरी पर है। चलते हैं देखते हैं क्या क्या प्रसाद दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर ये रोटी है, चावल है, दोस्तों ये सब्जी है, ये दाल है। यहाँ से देखूं तो दोस्तों यहाँ पर सब भक्त जो है अच्छे बैठकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं प्रेम से, कितने प्रेम से। जब भी अगर आप आते हो वृंदावन तो यहाँ पर जरूर आना। और यहाँ पर जो हमारे जो व्यूअर्स है वो कितने लोग यहाँ पे गौरी गोपाल आश्रम आए हैं ये भी कमेंट करके बताना दोस्तों, ताकि हम भी जान सकें कि कितने लोग अभी तक यहाँ पे गौरी गोपाल आश्रम आ चुके हैं। और जो लोग नहीं आए हैं तो अवश्य आना, श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के यहाँ भागवत कथा सुनाते हैं। यहाँ पर आप अगर आते हो तो यहाँ पे पंडाल में उनके भागवत कथा सुन सकते हो, दर्शन भी कर सकते हो। तो दोस्तों और इधर बर्तन धोया रहा है, इधर देख लोगे यहाँ पे बर्तन धोया जाता है। यहाँ पे ये थाली होती है, ये कैमरा है, यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड होता है, इसके अंदर जाना मना है। दोस्तों ये रसोई जो है ये सुबह 8:30 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक चलता है। दोस्तों लगातार चलते रहता है, बीच में थोड़ा सा शाम के समय आधा से घंटा के लिए बंद होता है, उस समय इसको सफाई के करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हर रोज यहाँ पे 25 से 30 हजार हर रोज यहाँ पे भक्त लोग आते हैं दोस्तों। और गेट खुल चुका है, देख सकते हो सब आ रहे हैं यहाँ पे पीने के लिए पानी, हाथ धोने के लिए यहाँ पे हाथ धो सकते हो। और इधर टेबल भी इधर लगा हुआ है, इधर टेबल लगा हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों आपने देखे ही होंगे। और इधर बाहर जाने का रास्ता है, गेट से बाहर जाने का। और यहाँ पे देख सकते हो पोस्टर में लिखा हुआ है दान भोजन की पवित्र भेंट यहाँ पे, और काफी सारे कुछ लिखे हुए हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे जब भी भोजन करो प्रसाद ग्रहण करना तो बर्बाद मत करना, जितना खाओगे उतने ही लेना दोस्तों। तो गेट तो, और दोस्तों कमेंट करके बताना कि यहाँ पे गौरी गोपाल रसोई में कितने लोग यहाँ पे प्रसाद ग्रहण किए हैं। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम जो नई नई वीडियो डालूंगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों बाहर से देखूँ तो बाहर का नज़ारा इस तरह का है, और यहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ से गुरुजी से यहाँ पे अगर आप आते हो तो मिल सकते हो उनसे। और इसके इस तरफ इस पंडाल में भागवत कथा सुनाते हैं गुरुजी। हाँ तो दोस्तों हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।